सलमान खान को 2 साल पहले ऑफर हुआ था सत्य पे सत्ता का रीमेक, लेकिन इस वजह से उन्होंने अमिताभ बच्चन का रोल नहीं निभाया। जहां आज ऋतिक रोशन ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी रोहित शेट्टी द्वारा निर्मित सत्य पे सत्ता के रीमेक के लिए फराह खान से बातचीत चल रही है, वहीं हमें पता चला है कि पहले सोहेल खान इस फिल्म को बनाना चाहते थे और इसके लिए राइट्स खरीदना चाहते थे। सोहेल खान अपने निर्देशन में सत्य पे सत्ता के रीमेक को अपने सुपरस्टार भाई सलमान खान के साथ बनाने वाले थे। ओरिजिनल सत्य पे सत्ता को रोमू सिपी ने प्रोड्यूस और राजेंद्र सिपी ने निर्देशित किया था। इस फिल्म के रीमेक के राइट्स फिल्म मार्केटिंग फर्म पारस पब्लिसिटी सर्विसेज के राजेश वासानी के पास हैं। सत्य पे सत्ता के रीमेक के लिए पहली चॉइस सलमान खान थे। जुलाई के दूसरे सप्ताह में वासनी ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि सत्य पे सत्ता फिल्म का जल्द ही एक नया अवतार देखने को मिलेगा और अपने फॉलोअर्स को इसके लिए ऑफिशियल ऐलान के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहा। ट्रेड से जुड़े सूत्र ने खुलासा किया है, कुछ साल पहले सोहेल खान सत्य पे सत्ता के रीमेक के लिए फिल्म के अधिकार खरीदने के इच्छुक थे। वह इस फिल्म को सलमान के साथ बनाने वाले थे जिसमें अमिताभ के रोल को सलमान को निभाना था। सत्य पे सत्ता की कहानी ऐसे 7 भाइयों अनाथ की है जिन्हें कुछ भी शिष्टाचार नहीं आता, लेकिन उनसे साथ रह रहा उनका बड़ा भाई रविवार आनंद, अमिताभ बच्चन, एक नरसिंधु, हेमा मालिनी की मदद से हर शिष्टाचार सिखाता है। लेकिन चीजें तब बिगड़ती है जब 7 भाई में से एक भाई को रविवार के जैसा दिखने वाला एक शख्स मिल जाता है और वे उसकी मदद से पूरी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है। सलमान थे परफेक्ट। फिल्म के लीड रोल का डबल रोल है। सलमान इस रोल के लिए परफेक्ट थे क्योंकि वे भी एक आइडियल भाई है, लेकिन सलमान के पास साल 2019 तक कोई डेट्स नहीं थी और राजेश वासानी इसे जल्द से जल्द शुरू करना चाहते थे, इसलिए उन्हें ये ऑफर छोड़ना पड़ा। सत्य पे सत्ता के बहुप्रतीक्षित पटकथा है, इसमें कई सितारों ने भूमिका निभाई। सत्य पे सत्ता एक बहुप्रतीक्षित पटकथा है और इसके रीमेक में लीड रोल के लिए कई एक्टर्स के नाम सामने आए और उन्हीं में से एक रहे सलमान, और अब इसके रीमेक के लीड रोल के लिए ऋतिक का नाम सामने आ रहा है। वहीं हेमा मालिनी के रोल के लिए भी कृति सैनन, दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ जैसी अभिनेत्रियों का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल कन्फर्म नहीं हुआ है।